वेलकम बैक कोडर्स, मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में। और ये हमारे प्लेलिस्ट की 42 वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली चलता हूँ हमारे पाइथन में और बताता हूँ कि किस टाइप का कोड हमने लिखा था और किस तरीके से हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं पाइथन में आ गया हूँ और मैंने जो 24 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट और py नाम से फाइल को क्रिएट करा था और हमने जो ट्यूटोरियल में बात करी थी फाइल में, वो फाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है। अब देखिए, क्लासेस को क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट करी है और उस क्लास से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करा है और एक मेथड को क्रिएट करा है। और उस क्लास का यूज करके मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करा था, ऑब्जेक्ट वन सी वन नाम से और ऑब्जेक्ट टू सी टू नाम से। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो क्लास क्रिएट कर रहा हूँ उस क्लास के जो एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा हूँ वो एट्रीब्यूट मैं स्टैटिकली क्रिएट कर रहा हूँ, यानी क्लास के एट्रीब्यूट्स हो गए, यानी ये जो भी एट्रीब्यूट्स है वो क्लास के एट्रीब्यूट्स है। लेकिन मैं एट्रीब्यूट क्रिएट करना चाहता हूँ, हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग एट्रीब्यूट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसका वो करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड होता है, एक स्पेशल मेथड होता है पाइथन में, और वो मेथड आपको क्लास के अंदर यूज करना पड़ता है, जिसका नाम है init कीवर्ड। init मेथड बोल सकते हो, init कीवर्ड बोल सकते हो। तो उसका यूज करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करूंगा और उस क्लास का यूज करके मैं उसके एट्रीब्यूट्स क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट्स के। तो लेट्स से मैंने एक क्लास क्रिएट करूंगा कंप्यूटर नाम से, कंप्यूटर नाम से क्लास क्रिएट करूंगा और मैं लिखूंगा कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर नाम की क्लास के अंदर मेरे को एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स मेरे को क्रिएट करने हैं init मेथड का यूज करने के। अगर मैं लिखता हूँ init, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पाइथन ने मेरे को सजेशन में दे दिया है। तो इस तरीके से आप IDE यूज कर सकते हो सजेशंस को यूज करने के लिए, काफी ज्यादा आपकी कोडिंग प्रोसेस को इजी और फास्ट बना देता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक क्लास क्रिएट करी और उसके अंदर एक init मेथड बनाया। अब ये init मेथड क्या करेगा, ये init मेथड का एक स्पेशल नाम है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। क्लास के अंदर मैंने एक init मेथड बनाया और उस init मेथड को अभी मैं डायरेक्टली पास कर दूंगा, अभी मैं इस init मेथड को पास कर दूंगा। और मैं एक कम वन नाम से, यानी एक सी ओ एम वन नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो कि कंप्यूटर नाम की क्लास को इनहेरिट करेगा, और कम टू नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो कि कंप्यूटर नाम की क्लास को इनहेरिट करेगा। अब मुझे उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करने में को क्या क्या चीज रखनी है। अगर मैं किसी कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में मैं दो चीजों की बात करता हूँ। सबसे पहला हो गया उसका प्रोसेसर और उसकी रैम, दो चीजें काफी ज्यादा मेन चीज होती है कंप्यूटर के अंदर। तो मैं कंप्यूटर वन जो है उसके अंदर मैं पास करूंगा i5 11th generation और रैम मैं पास कर दूंगा 16 GB डायरेक्टली। कंप्यूटर जो टू होगा हमारा वो काम करेगा Ryzen 5 और लेट से उसकी रैम कर दूंगा मैं 8 GB। तो ये आप देखिए, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने उसके एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर दिए। जहां पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा वहीं पर ही मैंने उसके एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर दिया। अब उस एट्रीब्यूट्स को क्लास के अंदर मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर काम आता है init मेथड का। और init मेथड एक कंस्ट्रक्टर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, init मेथड अभी मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में और कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल में देखेंगे और कंस्ट्रक्टर के काफी सारे मेथड्स को भी समझेंगे। अभी के लिए देखिए कि मैंने init नाम का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंपली एक सेल्फ नाम का कीवर्ड तो आपको यूज करना ही है। साथ के साथ में आपको क्या लेना है, सबसे पहला होगा कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर का क्या होगा प्रोसेसर, प्रोसेसर, और दूसरी होगी उसकी रैम, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रैम। अब यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, init मेथड के अंदर पैरामीटर दे दिए। अब इस पैरामीटर को इनिशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास आता है सेल्फ डॉट प्रोसेसर, लिखूंगा सेल्फ डॉट प्रोसेसर इज इक्वल्स टू प्रोसेसर, और लिखूंगा सेल्फ सेल्फ डॉट रैम इज इक्वल्स टू रैम। तो अभी क्या करा, अभी मैंने हमारे प्रोसेसर और रैम दो पैरामीटर यहाँ पर हमारी क्लास के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हो रहा क्या है, ये init मेथड क्या कर रहा है, init मेथड कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। जब भी उस क्लास का यूज करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो अपने आप ये init मेथड रन हो जाएगा और जो भी आपने पैरामीटर पास किए वो डायनामिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। अभी जब तक इस प्रोग्राम को रन नहीं करूंगा मैं, जब तक इस प्रोग्राम को रन नहीं करूंगा तब तक इस प्रोग्राम के अंदर सेल्फ डॉट प्रोसेसर सेल्फ डॉट रैम नाम का कोई एट्रीब्यूट अवेलेबल ही नहीं होगा। और जैसे ही मैं कंप्यूटर वन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता तो उस कंप्यूटर वन के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर सेल्फ डॉट प्रोसेसर और सेल्फ डॉट रैम नाम से दो एट्रीब्यूट क्रिएट हो गए हैं। अगर मैं इसको रन करके बताऊं, मैं करूंगा प्रिंट करा दो और प्रिंट करा दो कंप्यूटर वन के
प्रोसेसर को, लिखूंगा प्रोसेसर कॉमा कंप्यूटर वन के रैम को, और इसको रन करूं तो यहाँ पर आप देखिए i5-11 आ गया है और 16 हमारी रैम आ चुकी है। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो init मेथड का यूज करके। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिंपली आप समझिए आपने एक क्लास क्रिएट करी और उस क्लास के अंदर आपने एक init नाम का मेथड को क्रिएट करा है। और ये सेल्फ कीवर्ड क्यों रहता है, सेल्फ कीवर्ड वो इसलिए लेता है कि सेल्फ कीवर्ड का मतलब होता है, सेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने खुद का, यानी सेल्फ कीवर्ड यहाँ पर किस लिए काम आ रहा है कि सेल्फ कीवर्ड यूज हो रहा है कि कंप्यूटर सेल्फ के लिए प्रोसेसर और रैम नाम की दो एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर रहा है। सेल्फ का मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर वन और कंप्यूटर टू, सेल्फ यानी कंप्यूटर वन ऑब्जेक्ट प्रोसेसर और रैम क्रिएट कर रहा है, कंप्यूटर टू ऑब्जेक्ट सेल्फ के लिए प्रोसेसर और रैम क्रिएट कर रहा है। अब इसको आप मेथड्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। मैं अगर मेथड क्रिएट कर दूं, वापस मैं एक डेफ इन्फो नाम का मेथड क्रिएट करूंगा जो कि सेल्फ यूज करेगा। सेल्फ मतलब उसी ऑब्जेक्ट के लिए, जिस ऑब्जेक्ट की बात करें उसकी इन्फो शो करने के लिए। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, प्रिंट करा दो सिंपली प्रोसेसर, यानी सबसे पहले प्रोसेसर, प्रोसेसर और नेक्स्ट आ गया हमारी रैम। तो प्रोसेसर के अंदर आएगा प्रोसेसर, यहाँ पर लिखूंगा प्रोसेसर और सेकंड होगी हमारी रैम। अगर आप देखिए, मैं अब यहाँ पर सिंपली कंप्यूटर वन के इन्फो नाम के मेथड को यूज करूंगा, तो ये क्या करेगा, सिंपली इस क्लास के इन्फो नाम के मेथड को रन कर देगा, क्लास के इन्फो नाम के मेथड को रन कर देगा। अभी आप देखिए, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारी एक एरर आ जाएगी। एरर क्या आ रही है कि प्रोसेसर डिफाइंड नहीं है, प्रोसेसर और नेम डिफाइंड नहीं है। लेकिन आप देखिए, मैंने प्रोसेसर और नेम तो रैम यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी हमारी एरर आ रही है। और ये हमारी एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमें इस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि जो प्रोसेसर और रैम हम यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर वन नाम की ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो यानी कंप्यूटर और ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर यानी सेल्फ का यूज करना पड़ेगा, सेल्फ कंप्यूटर खुद के लिए बात कर रहा था सेल्फ, और रैम की भी खुद की बात हो रही है यानी उस कंप्यूटर नाम के ऑब्जेक्ट की रैम की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूज करना पड़ा सेल्फ डॉट रैम। मैं इजीली आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो इसकी डिटेल में मैं नेक्स्ट में बात करूंगा कि यहाँ पे सेल्फ क्यों यूज हो रहा है। अभी मैं इसको इजी करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सिंपली आप यूज समझिए इसको कि सेल्फ हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग सेल्फ यूज कर रहे हैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे कंप्यूटर वन की प्रोसेसर और रैम हमें यहाँ पे शो हो गई है। सिमिलरली हम डायरेक्टली कंप्यूटर टू की इन्फो शो कराऊं तो यहाँ पर कंप्यूटर टू की इन्फो भी शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर वन और कंप्यूटर टू की इन्फो क्रिएट हो गई है। इस वीडियो में init मेथड का यूज करके, कंस्ट्रक्टर का यूज करके हमने सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए एट्रीब्यूट और उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शंस को क्रिएट करके देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कीजिए। तो बस गैस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले, अगर आपने हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो जावास्क्रिप्ट की आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको HTML बिगिनर से वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमारे HTML वाली प्लेलिस्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हमने HTML को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कवर किया है। तो बस गैस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।